तो वीवीएम आपको प्रोग्रामिंग में आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। जैसे मैंने लिया डिम प्रिंसिपल लिया कॉमा प्रिंसिपल एज ए, हमने यहाँ पे लिया लॉन्ग क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा हो सकता है, फिर डिम आर रेट के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे रेट हमेशा डेसिमल में होता है ना, परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज डेसिमल ही होता है ना सर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे, राइट। डबल, यस सर, डबल। और फिर आता है हमारा, आता है टाइम टी, टी एज ए क्या होगा, टीडी नहीं बाइट, इंटीजर भी कर सकते हैं और बाइट भी कर सकते हैं, बाइट कर देते क्योंकि जनरली डेट 255 महीने से ज्यादा थोड़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे P पे वैल्यू स्टोर करता हूँ कि 50,000 है, R के ऊपर वैल्यू स्टोर करता हूँ, अब R मुझे 10% देना है, 10% ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि परसेंट का सिंबल VBS ऐप नहीं करता है, उसको टेक्स्ट कमांड मिलता है, ठीक है। तो इसमें वर्कशीट फंक्शन लगाना पड़ेगा क्या सर? नहीं, वर्कशीट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम देंगे 10% है 0.10 ताकि वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझे? टाइम मान लीजिए मैं देता हूं 3 साल, अब मुझे अमाउंट निकालना है, जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा डबल होगा, राइट। ये जो टाइम टी जो अपन ने 3 डाला है ये ईयर में डिफॉल्ट है क्या ऑलरेडी? क्या जिससे जो टाइम 3 डाला है हमने, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ईयर में डिफॉल्ट है क्या? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अमाउंट चाहिए तो हमने ए और डाल दिया, तो यहाँ ध्यान दीजिए एक साथ आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, सेम कास्ट के। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइड बाई N, N मतलब कि आपका कंपाउंड कब होता है, मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4, इस तरह से। और यहाँ पे माउस को क्यों कर रहा है, टाइम मल्टीप्लाई बाई ऑल्सो N लेकिन पावर में, अब इसको यहाँ पे ट्रिगर करना है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, अब इसको वन बाई वन करते हैं कि ब्रैकेट में वन प्लस अगेन ब्रैकेट में r डिवाइड बाई 12, तो एक कैलकुलेशन हो गई। अब इसी में मैं लिखता हूँ पावर और यहाँ पे ब्रैकेट में t मल्टीप्लाई बाई 12, राइट सर। अब इन सबों को p से मल्टीप्लाई करना है तो p मल्टीप्लाई बाई और फिर वापस पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा तभी जाके हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में p ले लेता हूँ, तो a होगा ना, सॉरी a ले लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने आ गया ना सर अमाउंट, राइट। बट मुझे अमाउंट को डेसिमल में राउंड कर देना है। तो दो तरीके हैं कि मैं यहाँ राउंड लगा के दो डेसिमल प्लेसेस दे देता हूँ, तो इतने सारे जो डेसिमल प्लेसेस आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे, बस दो आएंगे। लेकिन मुझे डेसिमल प्लेसेस रखना ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है एक के डिक्लेरेशन हम डबल से हटा के लॉन्ग पे कर देता हूँ। अब मुझे राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वेरिएबल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क हो गया है। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब देखिए मान लीजिए जो कैलकुलेशन हमने अभी इजीली कर लिया ना, अगर यही चीज अगर मैं वेरिएबल से नहीं करता मुझे रेंज पे, जैसे कि A1 पे पढ़ा रहा था प्रिंसिपल, B1 पे पढ़ा रहा था रेट, C1 पे पढ़ा रहा था टाइम, तो आप देख सकते हैं कि कोड कितना लंबा होता। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता रेंज A1 डॉट वैल्यू, किसी और शीट में है तो और देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली P लिख दिए और हमारा यहाँ पे हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आता है कि आपका वेरिएबल पे दी गई डेटा ओवरराइट भी होता है। जैसे मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट में मैंने RR/1 दे दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि कॉस्ट सी यहाँ पे डिम सी एज ए, यहाँ पे एक और तरीका देखिए कि सी एज ए लॉन्ग कॉमा एम एज ए डबल, तो एक साथ भी इस तरह से भी लगा सकते हैं, बार बार डिम लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो C इक्वल टू हमारे पास 50 है, अब मुझे कॉस्ट निकालना है, तो M इक्वल टू C का 5%। तो 5% निकालने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हमने 5% निकाल लिया कॉस्ट का और इसमें हमने C को ऐड कर दिया, मतलब कि 100 रुपये की सामान है तो 100 रुपये का 5% निकाल दिया तो 105 रुपया हो गया मैन्युफैक्चरर कॉस्ट। कि मैन्युफैक्चरर ने किसको भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अब यहीं पे मैं एम ही ले रहा हूँ वापस यहाँ देखिए कि एम प्लस यहाँ पे एम का 10% के लिए 0.10। अब यहाँ पे ध्यान रखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, यहाँ पे P इक्वल टू 20, तो P हो गया। अब वापस मैं यहाँ पे P इक्वल टू 30 लिखूंगा तो ये P 20 रिप्लेस हो जाएगा 30 से, राइट सर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि P प्लस 30 तब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, क्योंकि पहले जो है इस साइड का चलता है देन इस साइड का चलता है। तो पहले इस साइड का चलेगा तो P पे तो ऑलरेडी 20 है ही, 20 प्लस 30 मतलब कि 50 रुपये टोटल अमाउंट आया जो कि P को रिप्लेस कर दिया, P का मान हो गया 30, तो भाई 50 सॉरी, समझे। सेम यहीं पे पहले ही सिस्टम में चलेगा तो मान लीजिए कि M 52 होगा, तो 52 का 10% प्लस 52, फिर जो रिजल्ट आएगा 57 समथिंग वो M के ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से मैंने कहा हर सीक्वेंस के लिए अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया मोहित जी, सोबित जी एंड हाँ सर सुन में आया ना आपको सर,
हाँ जी, हाँ जी, एम एक्स बॉक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे एम कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने बताए आपको, मैंने मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भेजा है आपको पीडीएफ, उसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज है, आप उन फॉर्मुलेज को वीवीएम में ट्रिगर करके मुझे दीजिए इसी मेथड से, जिस मेथड से आपको मैंने दो